फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? कैसे अच्छे होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ होंगे। सुबह का टाइम है और आज मैं अंतरा सिंह ब्लॉगर पे बहुत दिन के बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या क्या आपकी ब्लॉगिंग्स आ किस पे है, तो मेरे ब्लॉगिंग्स यूट्यूबर अंतरा पे अपडेट हो रहा है। इस पे सिर्फ और सिर्फ मैं रिव्यूज़ वीडियो डालती हूँ। मेरे जितने भी सूट्स के कुर्तीज़ के रिव्यूज़ वीडियो है, किचन आइटम्स के रिव्यूज़ वीडियो, वो इस चैनल पर आते हैं। बाकी कुछ रिव्यूज़ मेरे यूट्यूबर अंतरा पे भी आते हैं, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी मेरा अमेजॉन हॉल भी यूट्यूबर अंतरा पे आने वाला है, तो वो भी चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो चलिए फटाफट मैं पहले अपने रूम्स की क्लीनिंग कर लेती हूँ। मामा कहाँ गया? सबको बोलो हेलो। कैसी है? तो चलिए फटाफट मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और फटाफट पहले बैठ के क्लीनिंग करती हूँ। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ बेड को ठीक करने के लिए। सारे बेड्स को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पहले तो जितने भी कपड़े थे सबको फोल्ड कर लूँगी। इतना तेज़ तड़ाक वाला बारिश हो रहा है यहाँ पे ना, हद से ज़्यादा बारिश हो रहा है। पूरे बिहार में बारिश हो रहा है, सिर्फ अररिया में नहीं, पूरे बिहार में बहुत तेज़ तड़ाके वाली बारिश हो रही है। तो छत पे तो कपड़ा गया नहीं था, तो कल रात में मैं क्या की थी ना, मशीन चला रही थी। आप लोगों ने ब्लॉग को देखा ही होगा यूट्यूबर अंतरा में। तो जिन्होंने यूट्यूबर अंतरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं डेली ब्लॉग्स डालती हूँ, उस ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए आप सब। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े को, जैसे कल रात में मैं मशीन चलाई तो सारे कपड़े को मैंने रूम में ही डाल दिया था सूखने के लिए, तार डाल के। और मैंने फिर कपड़े को डाल दिया सूखने, सारे कपड़े अच्छे से सूख गए थे। तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ बाबू क्या कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। कभी इधर से कुछ कर रहा है, कभी इधर से कुछ कर रहा है, कभी ट्राइपॉड हिला रहा है। तो बच्चे का तो जानते ही हैं, बच्चे लोग इतना बदमाश होते हैं ना कि कुछ कहने लायक नहीं। और आप सब कैसे हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। अंतरा सिंह ब्लॉगर पे मैं अब ब्लॉगिंग, अब पहले तो ब्लॉगिंग ही डालती थी, लेकिन देखिए मैंने खुद, मैंने सोचा कि अंतरा सिंह ब्लॉगर से मेरे जितने भी बहुत सारे बिज़नेस वाले मेरे जो कॉन्टैक्ट है, तो उस पर इस पर मैं शेयर कर दूँगी और यूट्यूबर अंतरा पे मैं अपना ब्लॉगिंग शेयर करूँगी। और मेरा न्यू चैनल भी था, तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि न्यू चैनल पर ब्लॉगिंग डालूँगी तो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा। और वही हुआ कि न्यू चैनल पर मैंने ब्लॉगिंग डाला तो जल्दी से जल्दी ग्रो हो गया। वहाँ पे अगर रिव्यू वीडियो में डालती तो जल्दी ग्रो नहीं हो पाता। पर मैं यही बात कहूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, यूट्यूबर अंतरा को। और मुझे माफ़ कीजिएगा कि अंतरा सिंह ब्लॉगर पे मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग डालने का। तो आप सब भी मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी नहीं, लाइफ टाइम, मुझे अपने लाइफ टाइम के लिए आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं टैब जो है मेरा, इसे मैं अपने सारे काम करती हूँ, तो वो टैब को मैं हटा रही थी क्योंकि बाबू देख लेगा कि टैब कहाँ है, तो वो खोजते खोजते ना दिमाग ख़राब कर देता है, और खोज के कहीं ना कहीं से खोज के और इधर से उधर कर ही देता है। तो बच्चे का तो जानती है, बच्चे तो बच्चे, ये देखिए अभी आ गया, अभी मतलब इतना बदमाश, देखिए कैसे कर रहा है गोदी पे चढ़ने के लिए। सिर्फ इसको चाहिए गोदी पे चढ़ेगा, खेलेगा, बस मैं इसके साथ खेलूँ, मैं काम ना करूँ। क्योंकि देखिए यार, बच्चे ना बच्चे के साथ ही खेलते हैं। वहाँ गए थे ना ससुराल में, तो बिब्बू सानिया जो मेरे भांजा भांजी लोग हैं उनके साथ ये बहुत खेलता है, बहुत ज़्यादा मस्ती इंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पे तो बेचारा अकेला पड़ जाता है, तो मैं उसको बोलती हूँ ऋषांग मेरा अकेला पड़ गया। इस वजह से मतलब बच्चे को हो ही जाता है यार। पर बाबू में सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है ना ऋषांग में, कि वो मतलब जहाँ जाता है ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता है। ये आदत मुझे उसका अच्छा लगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अकेले रहना है, तो उसने ये चीज़ अपने आप को मतलब पहले से ही तैयार करके रखा है, अपने आप को प्रिपेयर करके ही रखा है। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा बच्चा नहीं है सामने, मतलब मैं जहाँ पे फ्लैट भी ली हूँ वहाँ भी मैं ज़्यादा मतलब बच्चे उच्चे है नहीं यहाँ पर भी, तो अपने घर में सब लोग रहते हैं, यही रहते हैं सब लोग। मैं ही बाबू को बहुत ज़्यादा जान नहीं जानती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं जैसे बैठ कर रही थी तो ये कहा तो घोड़ा 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 ऐसे करके ना, बच्चे को तो अच्छा लगता है। मैंने उसको कह रही थी नहीं नहीं, और मैंने म्यूज़िक नहीं लगाया क्योंकि बहुत दिन के बाद इस पर ब्लॉगिंग डाल रही, तो सोची आप सबसे थोड़ी बहुत बात करूँ क्योंकि मेरे अंतरा सिंह ब्लॉगर पे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और हो सकता है कि उनको यूट्यूबर अंतरा चैनल के बारे में नहीं पता है। इस वजह से मैं उनको चलो मैं आज ब्लॉगिंग मतलब म्यूजिक नहीं डालूँ। ये बाबू का न्यू बैग है, इसका भी रिव्यू आप लोग के साथ बहुत जल्दी आएगा, रिव्यू मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, तो ये इसका ना मैंने वीडियो शूट करके रखा हुआ, वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ, तो फिर ऐसा होता है ना रिव्यूज़ की वीडियो ना 10 दिन शूट रहती है उसके बाद ही अपलोड होता है, ऐसा होता है। तो आप सोचोगे अलमीरा इतना खाली क्यों है, क्यों अलमीरा इतना खाली, अभी अलमीरा का सामान मैंने एडजस्ट नहीं किया है। जैसे जैसे
और यहाँ राहुल जी का कुछ कपड़ा था जो मैंने प्रेस करवा के मंगवाया था, तो वो कपड़ा दे गए थे तो वैसे ही रखा हुआ था, तो मैं भाई गिनती करके रख रही थी क्योंकि प्रेस वाले लोग मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कपड़ा बहुत मिस हो जाता है मेरा, इस वजह से मैंने इसकी गिनती करके रख रही थी कितना है, तो मैंने रख लिया है और बाकी का प्रेस का जो कपड़ा होगा वो मैं निकाल के बाहर रख दूँगी। तो यही तो काम हमारा है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक कुछ ना कुछ काम करना ही रहता है। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ इसलिए आपको मैं नाइटीज में दिख रही हूँ, अभी मैं नहाने जाऊँगी। मैंने सोचा उससे पहले कुछ काम कर लिया जाए, और ढेर सारा काम तो रहता ही, आप समझ ही सकते हैं बच्चे के साथ कितना काम रहता है। और बाबू तो इतना ज़्यादा आजकल मतलब जैसे जैसे बच्चे, एक बात तो है कि बच्चे बदमाश नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मैंने कहा बताया था कि बाबू बहुत बदमाशी करता है, तो कमेंट आया था मुझे कि बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन बदमाशी करेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन अभी मुझे देखिए अभी मुझे सारे दिखाती हूँ आज खाने मैंने क्या बनाया। खाने बनाई बैगन आलू की सब्जी और रोटी जो मैंने यूट्यूबर अंतरा पे शेयर किया है। तो ये देखिए बैगन आलू की सब्जी है और यहाँ पे है रोटी, सब लोग ने खा लिया है, सिर्फ मेरा खाना बाकी है, मैंने भी नहीं खाया है। और यूट्यूबर अंतरा पे आप लोग को अपडेट ब्लॉग मिलेगा, इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे सेकेंड चैनल मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हो। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट चैनल मैंने रिव्यू के लिए डाल लेती हूँ, इस पर सिर्फ रिव्यूज़ डालूँगी अंतरा सिंह ब्लॉगर पे, और जैसे कि जितने भी कुछ सामान के प्रोडक्ट्स के रिव्यू होंगे वो डालूँगी, बट कुछ का मैं उसमें मैं अमेज़ॉन पे भी डालूँगी, सॉरी अमेज़ॉन पे बोल रही हूँ, यूट्यूबर अंतरा पे भी डालूँगी, क्योंकि ना जैसे यूट्यूबर अंतरा से जो मुझे रिव्यूज़ मिलेगा तो वो मैं यूट्यूबर अंतरा पे ही डालूंगी ना, तो इसलिए मुझे उसी पे डालना है, और जो अंतरा सिंह ब्लॉगर से मिलेगा वो अंतरा सिंह ब्लॉगर पे डालूंगी। तो चलिए गाइस इसके साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, छोटा सा ब्लॉग आया है, क्या आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे सेकंड चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय गाइस, लव यू।